अपनी आवाज से चांद सितारों से सिफारिश करता है, तो कभी अपनी आवाज से दो दिलों को जोड़ता है। एक ऐसी आवाज जो पूरे इंडिया की शान बन चुका है। हम बात कर रहे हैं सिंगर शान की। जो आज का दिन है पूरा बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि शान हमारे साथ हैं। तो ये बताइए कि आज किस तरह से पूरी आपकी जो दिन किस तरह से गुजरता है आपका? आज काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो ट्विटर का कुछ एक उनके कोई ब्लू रूम ऐसा कुछ हो रहा, मुझे ठीक पहली बार जा रहा हूँ, देखना क्या है वहाँ। उसके बाद ऑफकोर्स वॉइस के बच्चों की एक आज ट्रेनिंग, खास दिन है, फाइनल ट्रेनिंग का दिन है बैटल्स के पहले। और बाकी सब वही है, थोड़ा सा रियाज होगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज होगी, तैयारी होगी और फिर दिन चलता रहेगा। मम्मी का जो बंगाली पेपर है वो आपके चैनल से काफ़ी मिलता जुलता है, आनंद बाजार पत्रिका ABP। ये मम्मी पढ़ती है, मुझे बंगाली बोलना आता है लेकिन पढ़ना लिखना नहीं आता। बहुत दिन की बात है, भूल गए सब। मुझे बचपन की बहुत साल पहले गुजरी थी, भूल गए। बदमाशी नहीं करते करते कभी कभी बदमाशी नहीं किया। शायद अब अवश्य माँ के बहुत तारीफ करते। मम्मी को असल में हिंदी बोलने की अभी आदत बहुत कम हो गई है। पहले जब मम्मी, एक वक्त था जब डेली रिकॉर्डिंग्स करती थी, कोरस ग्रुप में गाती थी, उनके लिए उनको अवार्ड भी मिला है। वो अवार्ड से ज़्यादा आई थिंक मेरे फ़ोटो को देखते रहती है, लेकिन मेरा जहाँ वो फ़ोटो रखा है ना, तो देखिए उसके बिल्कुल बाजू में ही एक बहुत ही बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है, दादा साहब फाल्के एकेडमी अवार्ड है उनके लिए, जो उन्हें मिला था बस ये कुछ आई थिंक तीन चार साल पहले ही। तो ये उनके 30 साल तक मम्मी एज अ सिने सिंगर हिंदी फिल्मों में कोरस में गाई हैं, 1970 से 2002 तक। तो उसके लिए उनका ये उसके उस योगदान के लिए उनको ये अवार्ड भी मिला है। और उसी तरह से हमें वैसे मेरे पिताजी, जैसे आप शायद जानते होंगे, मैं हार्डली जस्ट 14 का हुआ था जब मेरे पिताजी हमें चल बसे, तो तब से मम्मी ही हमें पाल पोस कर बड़ा की हैं। और बस मेरी सबसे बड़ी खुशी ये है कि मम्मी हमेशा मेरे साथ है और मैं उनके साथ हूँ। बेटी को बहुत मिस करती है क्योंकि सागरिका अभी रोम शिफ्ट कर गई है, लेकिन अभी अगले महीने आ रही हैं और पूरा एक महीना डेढ़ महीना रहेंगी हमारे साथ, तो बहुत मज़ा आएगा। ये मेरा स्टूडियो है, पर्सनल स्टूडियो है वैसे, और चूंकि अभी हम लोग कंपोजिंग करना शुरू किए हैं, मैं और मेरे दोनों पार्टनर्स गौरव रोशन, तो उनके घर पे भी देयर इज स्टूडियो। यहाँ जब फाइनल रिकॉर्डिंग्स होती हैं या फिर एक फाइनल जिस तरह से प्रेजेंटेशन होते हैं, तो कई बार हम लोग यहीं करते हैं, वरना चूँकि वो दो है मैं एक हूँ तो मैं ज़्यादातर अंधेरी जाता हूँ। तो आज भी वहीं जाऊँगा अपने वॉइस के शूट के बाद। Yeah.
जिंदगी मेरे साथ है करीब क्या मेरे हमेशा नहीं बिल्कुल राधिका और मैं 20 साल हो गए हम एक दूसरे से जब से मिले हैं और लगभग 16 साल हुए हैं होने वाले हैं बहुत जल्द कि हमारी शादी हो चुकी है और 2000 में शादी हुई थी अभी तो 2016 चल रही है और हमारे 3 बेटे हैं सॉरी ये तीसरा लाडला तो सबसे एक ऐसा बेटा है जो कभी बड़ा होने नहीं वाला ऐसा लग रहा है शान जो है एक चीज़ जो हमारी रिलेशनशिप में हमेशा रखी है उन्होंने कि हमारी रिलेशनशिप को कभी ग्रांटेड नहीं लिया है और हमेशा वही छोटी छोटी बातें जो करते हैं तो मुझे प्यार से याद दिलाई है हमारा जो रिलेशनशिप बहुत ही एक फ्रेंडशिप और ट्रस्ट की फाउंडेशन पे मजबूत हुआ है और एक चीज़ जो हम दोनों मानते हैं क्योंकि इतने बोलते हैं कि इंडस्ट्री में यू नो इतना रिलेशनशिप में इतना उठाव चढ़ाव होते हैं बट आप लोग कैसे हमेशा एक कपल की तरह रहते हैं क्योंकि एक्चुअली फ्रेंड्स तो छोड़िए आप फ्रेंड्स तो है ही है हम और प्यार भी है मगर एक दूसरे का जो ग्रोथ है पर्सनल ग्रोथ है हम वो एनकरेज करते हैं तो आई थिंक वो बहुत बड़ी चीज़ है हमारे रिलेशनशिप में स्पेशली जो शायद विनर्स नहीं हो या शायद जिनके अपने गाने ना हो लेकिन बहुत अच्छा टैलेंट है उनमें अच्छा गाते हैं तो ऐसे आर्टिस्ट को वो अपने अपने इस वेबसाइट के ज़रिए लोगों तक पहुंचाती है और फिर एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं लोग और उसके ज़रिए काफ़ी आर्टिस्ट की बुकिंग्स होती हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं गा रहे हैं लिटिल लिटिल थिंग्स जो करते हैं कि रात को जब यू नो बिफोर वी आर स्लीपिंग हमेशा मुझे गुड नाइट आई लव यू बोलते हैं आई अगर मैं फास्ट स्लीप भी हूँ मुझे पता है छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाती है तो आई थिंक वो है जब अगर कोई पार्टी है और यू नो सब लोग हैं उधर उनकी एंट्री जब होती है वो फर्स्ट चीज़ मुझे देख के फर्स्ट कोई भी हो ही फर्स्ट कम गिव मी अ हग एंड देन ही यू नो टॉक टू अदर पीपल आई थिंक ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं डेली आई थिंक वो मैरिज में डेफिनेटली बहुत बहुत टेक्स योर मैरिज फार टेक्स योर रिलेशनशिप फार द लव इन योर मैरिज फार और आई थिंक जो बोलते हैं कि ही मेक्स मी फील लाइक द ओनली वुमन इन द रूम आई थिंक वो बहुत ट्रू है ये हवाएं ज़ुल्फों में तेरी गुम हो जाए होठों से छू ले फिर दामन तेरा अपनी पनाहों में तुझको भरे मेरी आरज़ू को परेशान करे है ये हवाएं बहुत सारे गाने सुने नहीं एक सुनाया था एक्चुअली पार्किंग लॉट में एयरपोर्ट के वहाँ क्योंकि इतना पैसा नहीं था तो बोला कि चलो डिनर के लिए बाहर ले जाते हाँ, थोड़ा सा इतना लेट डिनर कर दिया कि सारे रेस्टोरेंट सब तक बंद हो गए नहीं एक्चुअली 5 स्टार्स खुले थे बट तब ऑब्वियसली यू नो 5 स्टार्स तो बहुत बड़ी बात थी यार तभी रेगुलर रेस्टोरेंट बंद हो गए तो भुर्जी पाव तो खिला ही सकते हैं भुर्जी पाव था फर्स्ट डेट हां फर्स्ट डेट थोड़ा सा ढंग का किया था आई थिंक नहीं वो भी नहीं नहीं दैट आई पेड थोड़ा हाँ नहीं एक्चुअली फर्स्ट डेट में जब लेके गए थे तो बोला था कि दीदी एक बांद्रा के रेस्टोरेंट में बोला कि देखो मेरे पास 300 का बजट है तो उसमें ही ऑर्डर कर देना ऐसे ठीक है सो बैठे उन्होंने मेन्यू खोला बोला हाँ मैं ये चिकन स्ट्रोगनऑफ ले लूँगा मैंने बिल देखा ऐसे 350 ऐसे बाकी के 50 रुपये कौन भरेंगे और मैं क्या खाऊँगी कई साल पहले मेरे पुराने बिल्डिंग में जिम था तो तब मैंने कभी वर्कआउट राधिका शुरू की थी और फिर जब सेकंड टाइम शी वाज प्रेग्नेंट अगेन विद सेकंड बेबी तो उन्होंने तभी ब्रेक लिया था लेकिन उन्होंने कहा कि चलो मैंने तो ब्रेक ली लेकिन ट्रेनर आ रहे हैं रोज़ तो तुम शुरू कर दो सो आई थिंक एट अबाउट एज 32 आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन अब तो 11 साल हो गए हैं लेकिन तब से छोड़ा नहीं हुआ
दिस इज माय हाउस और ऑफ कोर्स वो देयर वाज अ 10th फ्लोर 11th फ्लोर यहां अपना व्हाटएवर बेडरूम बाथरूम आइए थोड़ा सा परफ्यूम लगा लेता हूं अभी तो उस बहाने थोड़ा सा देख भी लीजिए घर ये सारी चीजें सब हमारे ट्रैवल से हैं जहां भी जाते हैं वहां से कुछ ना कुछ अच्छी चीजें मिल जाती हैं तो वहाँ कहीं ऐसा हम लोगों ने देखा कि ऑल यू नीड इज लव लिखा है तो बहुत प्यारा लगा और साथ साथ हमारा ये एक फैमिली का फोटो भी है और देख रहे हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही है ये मेरे बड़े बेटे हैं सोहम शुभ अब तो और भी बड़े हो गए हैं ये दोनों तो यही कपड़े काफ़ी दिनों से मुझे पीछे पड़ी है कि थोड़ा सा खाली करो तो ये यार ये शर्ट मैंने पहना था 25 साल पहले मेरे पहले रिकॉर्डिंग पर तो वो सारी चीज़ें याद करके रखा हूँ नहीं नहीं इसमें से काफ़ी ढंग की चीज़ें हैं बट देयर आर टू मेनी आई हैव टू स्टार्ट स्टॉप शॉपिंग एंड स्टार्ट यूजिंग देम अ लिटिल मोर चश्मों के कलेक्शन मेरे नहीं हो सकते हैं क्योंकि मेरा नंबर है ना तो मैं इनफैक्ट यही टूटे पुराने कुछ मेरे चश्मे हैं लेकिन ज़्यादातर मैं जो एक यूज़ करता हूँ वही करता हूँ नहीं नहीं हमारा वैसे कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी या दूसरे चीज़ों का शौक़ नहीं है और वैसे मैं जिस तरह के कपड़े पहना आप सोच रहे ऐसा कौन से कपड़े का शौक लेकिन आई प्रेफर कैजुअल ओनली और आजकल थोड़े से लूज टी शर्ट्स पहन रहा हूँ क्योंकि यू नो बीच में थोड़ा सा जोश आ गया था वर्कआउट वर्कआउट करके वो थोड़ा स्मॉल टी शर्ट्स पहन लेता था लेकिन अभी नया है कि थोड़ा सा रिलैक्स रहो हाँ जूते भी काफ़ी सारे एक्चुअली कुछ शोज़ के जूते हैं कुछ कैजुअल वाले हैं लेकिन ये है कि रखें बड़े अरेंजमेंट के साथ सारी चीज़ें मुझे आजकल ये बिना लेसेस के मोकेसंस कन्वीनियंट लगते हैं हाँ पोर्चुगल गए और पोर्चुगल को जितवा कर आया अच्छा यूरो कप चल रहा था ना तभी हम लोग थे वहाँ थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो थैंक यू ऑल द व्यूअर्स ऑफ एबीपी बहुत मज़ा आया इस शो में आकर बहुत एंजॉय किए अच्छी कंपनी थी और बहुत मज़ा आया